नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश तिवारी और आज हम बात करने बैठे हैं मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर की यातायात व्यवस्था को लेकर। इंदौर ट्रैफिक जैम की समस्या से जूझ रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं यातायात विशेषज्ञ इंजीनियर अतुल सेठ जी। अतुल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार मुकेश जी। क्या वजह है कि इंदौर में यातायात व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है? हम देश में स्वच्छता में नंबर वन आ गए हैं पर यहाँ पिछड़ गए। बिल्कुल सही कहा आपने। जो स्थानीय प्रशासन का और स्मार्ट सिटी का जो मूल मिशन है उसमें यातायात भी एक प्रमुख बिंदु है और इस बिंदु पे इंदौर शहर और इंदौर के साथ साथ देश के सारे शहर जूझ रहे हैं। इंदौर विशेष रूप से इसलिए जूझ रहा है कि इंदौर में आज की तारीख में देश में सबसे ज़्यादा वाहन प्रति व्यक्ति हो तो इंदौर नंबर एक पे है। लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, गाजियाबाद, इन सबसे भी ज़्यादा प्रति हज़ार व्यक्ति पे अगर वाहनों की बात की जाए तो इंदौर में करीब करीब 750 से ज़्यादा वाहन इंदौर शहर में रजिस्टर हो चुके हैं। और उसका मूल कारण ये है कि इंदौर में यातायात की व्यवस्था, लोक परिवहन की व्यवस्था सालों से नहीं है। तो हर परिवार के लिए मजबूरी है कि चाहे वो साइकिल रखे, चाहे स्कूटर रखे, चाहे चार पहिया वाहन रखे। और पहले एक एक वाहन थे, अब हर घर के अंदर जितने आदमी उसके अलावा एक वाहन और, ये अमोबस ये स्थिति सब घरों में हो गई है। और ये बताता है कि इंदौर किस भयावह की तरह बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित ही इससे जो जाम की स्थिति बोलते हैं, ये मुख्य सड़कों से निकल के गली मोहल्लों के जो चौराहे हैं या गली मोहल्लों की जो गलियाँ हैं वहाँ भी समस्या आने लगेगी। और आज भी हम देखते हैं कि शाम को गली गली की समस्या यही है कि छोटे छोटे जाम लगने लगता है। नहीं, पर जैसे लोक परिवहन का हमारे यहाँ पहले साधन बहुत पुरानी याद अपन करें तो टांगा हुआ करता था। उसके बाद फिर राज्य परिवहन निगम की बसें भी लोक परिवहन में हमारे यहाँ चलती थी, टेम्पो, रिक्शा, नगर सेवा का भी युग आया। और अब भी अतुल जी इस वक्त सिटी बसें भी दौड़ रही हैं शहर में, आई बसें भी चल रही हैं, उसके बावजूद लोक परिवहन के साधनों की कमी क्यों महसूस की जा रही है? अभी जो लोक परिवहन चल रहा है इसको हम कहते हैं कि एक सुपरफिशियल प्रयास और आधे अधूरे मन से किए गए प्रयास है। ये आज इंदौर में करीबन 30-35-40 सुपर जो अपना कॉरिडोर बना हुआ अपना BRTS उस पर चल रही है। 200-250 बसें हमारी अमृत योजना की जेन्यून आरम की जो है ये चल रही है। सब मिला से 250-300 बसें शहर के अंदर चल रही है। और ये सारी बसें जो चल रही है ये केवल कुछ समय के लिए चलती हैं नंबर एक, और कुछ ही एरियो को ये प्रभावित करती है, कुछ ही एरियो को ये सर्विस दे पाती है, उपयोगिता हो पाती है। उसका मूल कारण ये है कि ऑपरेटर बेस्ड सिस्टम है इसका। इसका कोई सिस्टम बना के सोच विचार करके दिया हो ऐसा नहीं है। सोच विचार ये किया गया कि कहाँ पे फायदेमंद होगा और फायदेमंद रूट पे ही ये बसें चल रही है। जहाँ घाटा होता है या कम लाभ मिलता है वहाँ पे ऑपरेटर लोग किसी न किसी कारण से बसें चलाना बंद कर देते हैं, और घाटा होता है वहाँ तो चलाते ही नहीं, सोचा नहीं जाता, कोई प्रस्ताव ही नहीं आता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जहाँ पे इनको जिस समय इनको ट्रैफिक मिलता है तभी वो चलाते हैं। जिस रूट पे, जैसे खजराना वाला रूट हो गया या फुटीकोटी वाला रूट हो गया या अरविंदो वाला रूट हो गया, तो वहाँ तो बस चला रहे क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक आने जाने का मिलता है। मगर जो ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिलता है वहाँ पे बस नहीं चल रही। तो पूरे इंदौर शहर के लिए कोई फुल प्रूफ यातायात व्यवस्था बस की नहीं है। मेट्रो का जिक्र भी अतुल जी, आप तो लंबे समय से जुड़े हैं, होता है बार बार, उसकी कार्य योजना बनती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है और ये भी तय हो जाता है कि भाई यहाँ यहाँ चलेंगे। तो अगर जो अभी तक की कार्य योजना उसके अनुसार इंदौर में मेट्रो आती है, मोनो ट्रेन की बात भी बीच में आई, तो अगर मेट्रो आती है तो क्या वो इस समस्या का समाधान हो पाए? अगर इसको एक लाइन में कहूँ तो बिल्कुल भी नहीं। मेट्रो आने से इंदौर की यातायात व्यवस्था का कोई भी हल निकलने वाला नहीं है, क्योंकि अगेन वही वाली बात है कि मेट्रो जो चलाई जा रही है एक वो अंडाकार आकार में, वो भी शहर के एक तिहाई हिस्से में चलने वाली है, यानी MG रोड से लेके जो MR10 है हमारा जिसे हम कहते हैं मुख्यतः, इसी पर चलने वाली है। यानी राजावाड़ा से चालू करें तो राजावाड़ा से होते हुए एयरपोर्ट
एयरपोर्ट से सुपर कॉरिडोर जो एमआरटेन का ही हिस्सा है, वो एमआरटेन से होते हुए रेडिसन होटल आएगी है, और रेडिसन होटल से वापिस रिंग रोड होते हुए बंगाली चौराहे से अंदर मुड़ेगी और वापिस एमजी रोड को पकड़ लेगी। तो ये एक तिहाई क्षेत्र है जहाँ पे ये चलेगी। और ये भी जो योजना है 28-30 किलोमीटर की जो बोल रहे हैं, ये किस्त में होने वाली है, कब होने वाली मालूम नहीं। मूल योजना 90 किलोमीटर की इन्हें दी है, जिसमें फूटी खोटी वाला एरिया भी है, इधर मऊ तक को इन्होंने लिया हुआ है। तो ये 90 किलोमीटर की योजना है। अभी जो योजना बन रही है उन्होंने 30 किलोमीटर की योजना बनाई है, और 30 किलोमीटर में भी जो पहला फेज है, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि वो वहाँ बन रहा है जहाँ पे कोई आवश्यकता ही नहीं है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो प्रतिमा है वहाँ टेन पे शुक्लिया के आगे, वहाँ से वो शुरू करके ये मुमताज कॉलोनी खजराने के पहले रेडिसन और खजराना चौराहे के बीच में वहाँ पे ये लाने वाले हैं। तो अगर इसको बारीकी से अध्ययन किया जाए तो ये वहाँ बन रही है जहाँ पे इसकी उपयोगिता नहीं। तो मेट्रो का आज तक कोई भी आंकड़ा जनता के सामने नहीं आया है कि कब इसका लागत क्या आने वाला है, इसका किराया क्या होने वाला है, इसका जो रनिंग का घाटा होगा उसकी पूर्ति किससे होने वाली है। इन्हें जिसे बोलते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट जनता के सामने आए। बीच में भी मीटिंग हुई थी जिसमें माननीय हमारी सांसद और सभा लोकसभा की सभापति सुमित्रा जी भी थी, उन्होंने भी कहा था कि हमें बताओ तो सही क्या हो रहा है इसके अंदर। माननीय विधायक महोदय जितने हैं उनसे भी कई बार चर्चा होती है, तो किसी को कुछ मालूम नहीं। महानगर का रूप इंदौर ले चुका है, और जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है तो आने वाले 10 साल में तो और भयावह रूप हमको यातायात का देखने को मिल सकता है। अतुल जी, अगर आज उसकी व्यवस्था नहीं होती है तो आपके नजरिए से क्या व्यवस्था होना चाहिए? इंदौर की हम कल्पना करें तो हमें जो पुराने जो आज महानगर बन चुके हैं, जैसे मुंबई है, कलकत्ता है, चेन्नई है, आज से 50-75 साल पहले कलकत्ता भी 25-30 लाख की आबादी पे था, तो वहाँ पे बसें और ट्रामें चलाई गई थी, और उसने आज से 10 साल पहले तक उसको सर्विस दी। फिर कलकत्ता में जब आबादी 1.25 करोड़ के ऊपर आई तब जाके उन्होंने मेट्रो की बात आज से 15-20 साल पहले शुरू करी। फिर मुंबई में भी बसें भी चलती रही, और आज़ादी के बाद में बिजली की ट्रेनें, क्योंकि मुंबई एक लंबा शहर है तो वहाँ ट्रेन जो है काफ़ी फायदेमंद हो सकती थी, तो उन्हें वो ट्रेन भी चलाई। तो इंदौर में आज मुझे लगता है कि अगर इंदौर को यातायात व्यवस्था देना है जो लोगों के जेब को भी भारी नहीं पड़े और लोग इसका उपयोग भी करें, क्योंकि इंदौर की जो आदत है सालों साल से, वो घर से बाहर निकलने के बाद में तुरंत उसको वाहन चाहिए, क्योंकि खुद के वाहन से निकलता हो, चाहे साइकिल से निकलता हो, चाहे कार से निकलते हो, तो उसको जितनी जल्दी यातायात मिलेगा उसका उपयोग जितना जल्दी करेगा। तो इंदौर के डीएनए बदलने की बात हम कर रहे हैं। इंदौर का सालों साल से एक निश्चित धारा में बहते बहते एक डीएनए हो गया, एक स्टेटस सिम्बॉल बन गया है, गाड़ी बड़ी गाड़ी और बड़ी गाड़ी, तो इसको बदलना पड़ेगा। तो मानसिकता एकदम आएगी नहीं, तो इसके लिए डीएनए बदलना पड़ेगा। डीएनए बदलने के निश्चित तरीके हैं, निश्चित फार्मूला है, इसके लिए बड़े पेशेंस की आवश्यकता पड़ती है, लंबे समय की योजना की आवश्यकता पड़ती है। और लोक परिवहन जब भी होता है तो लोक परिवहन कहीं भी दुनिया में ये फायदे का सौदा नहीं है। लोक परिवहन जिंदा रहने के लिए, एक शहर को जिंदा रखने के लिए जो परिवहन है वो धमनियों का काम करता है, ऑक्सीजन को लाता है, ले जाता है, शरीर को चलायमान रखता है। तो वैसे ही लोक परिवहन पूरे शहर को चलायमान रखता है, और शहर को जो आय होती है उसके पीछे का जो मूल बैकग्राउंड होता है वो परिवहन होता है। तो परिवहन का घाटा अन्य स्रोतों से करना पड़ता है, तो इसका सिस्टम बनाना पड़ेगा कि चाहे स्थानीय शासन हो, चाहे राज्य शासन हो, चाहे केंद्रीय शासन हो, इन तीनों को मिलकर कि ये घाटा चलेगा, ये घाटा होगा, 5-10 साल इसको पूरे सिस्टम को चलाने में जो घाटा होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद जब धीरे धीरे डीएनए बदलेगा, लोग परिवहन को समझेंगे, तो लोग अपने वाहन को घरों पर रख के अपने कार्यों के लिए, अपने स्कूलों के लिए बसों का उपयोग करने लगेंगे, और फिर वो घाटा कम हो जाएगा। पर घाटा खत्म होकर फायदे में हो जाएगा ये कहना नितांत गलत होगा। जिंदगी में या दुनिया में कहीं भी लोग परिवहन फायदे का सौदा नहीं हुआ है, तो इंदौर शहर में भी फायदे का सौदा नहीं होगा ये। तो इसकी एक व्यवस्था करना पड़ेगी, और एक अनुमान है कि 1 लाख की आबादी पर 40 बसों की आवश्यकता पड़ती है, और इंदौर चूंकि गोलाकार आकार में बसा हुआ है तो बस सिस्टम के अलावा और कोई सिस्टम, चाहे मेट्रो हो चाहे ट्रेन हो, वो फायदेमंद भी नहीं होगी और उपयोगी भी नहीं हो पाएगी। क्योंकि मेट्रो जो होती है, ट्रेन जो होती है, या बीआरटीएस, इसको हम बोलते हैं लीनियर फंक्शन, एक रेखा में चलने वाला कार्य है ये,
और इंदौर की बनावट जो है गोले वाली है, गोल है इंदौर, तो कोई भी रेखीय कार्य गोले वाले कार्य में कभी सफल नहीं हो सकता। इंदौर के तो हम सब जानते हैं कि हम कहीं भी जाने के लिए एक गली से निकलते हैं, फिर दूसरी गली को पकड़ते हैं, तीन चार गली मुड़ते हुए अपने डेस्टिनेशन पहुँच जाते हैं, हम कभी सीधे नहीं चलते। बम्बई वगैरह में क्या होता है कि जैसे या दिल्ली में भी वहाँ सेटेलाइट टाउनशिप है कि गुड़गांव से काम करने के लिए 2 लाख लोग को जाना है, 3 लाख लोग को जाना है, शाम को उनको आना है, या गाजियाबाद में आना है, नोएडा से लोगों को आना है, तो दिल्ली सेंटर हो गया, आसपास के गाँव पास बड़े बड़े आबादी हो गए, तो वो एक रेखा में चलने वाला ट्रैफिक मिलता है। उसके बावजूद भी मेट्रो उतनी सफल नहीं है जितनी बम्बई में है या कलकत्ता में है, क्योंकि वहाँ देखिए कार्यक्रम है, और दिल्ली भी गोले वाला शहर है, पर चूंकि बाहर की सेटेलाइट टाउन को लाने के लिए काम में करना पड़ता है, तो इंदौर में कभी सेटेलाइट की भी आवश्यकता ही नहीं। आज महू देवास जो है वो पहले से जुड़े हुए हैं, तो वो लोकल बस ट्रेन चली रही है, तो वहाँ पे कोई लेना मतलब ही नहीं है। और लोकल जो इंदौर है जो 15 किलोमीटर के दायरे में या 20 किलोमीटर के दायरे में बसा हुआ है, उसके लिए मेट्रो ट्रेन कभी फायदेमंद नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि अगर 30 लाख की आबादी आज है इंदौर में, तो 30 लाख की आबादी पे 40 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1200 बसों की आवश्यकता है, और बस की व्यवस्था बनते बनते मान लो 5 साल 8 साल लगेंगे, तो हमने 1200 बसों की जगह 1500 बसों की व्यवस्था पूरा आर्थिक गणित गिनने के लिए उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए करना चाहिए। आपका शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें।